तो पिछले लेक्चर में हम ये तीन चैप्टर को डिस्कस कर चुके थे और इस सेवेंथ लेक्चर में हम ये सिक्स लेक्चर में हो चुका था, ये सेवेंथ में इन्हें कवर कर लेंगे और एट्थ में यहाँ से लेके मैंग्रोव्स तक का पार्ट कवर कर लिया जाएगा। सिल्वीकल्चर से सब नहीं हो पाएगा, तो ये जो मैंग्रोव्स तक का पार्ट है ये अपने आ जाएगा संडे टेस्ट में। संडे टेस्ट जो होगा अपना थर्ड, उसमें यहाँ मैंग्रोव्स तक का पार्ट आ जाएगा। अब अगर हम इन्हें देखें, ये जो चैप्टर्स हैं अपने यहाँ से चॉइस ऑफ स्पीसी से लेकर के खासकर टेंडिंग ऑपरेशन तक के, तो इनका एक सिस्टम है। ये सिस्टम को समझाने का पर्पज ये है कि एक सीधी सीधी बात चल रही है कि मान के चलो आपको राजस्थान में आप DFO किसी डिस्ट्रिक्ट की, और आपसे बोल दिया गया कि यहाँ पर इरोजन की, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है, आपको यहाँ प्लांटेशन वर्क करना है। तो प्लांटेशन वर्क करने से पहले आपको क्या दिमाग में आएगा कि पहले तो हमें कौन सी स्पीसीज करनी है, आप ये डिसाइड करोगे कोई लोकल एरिया के हिसाब से। तो आपका पहला काम होता है कि एक स्पीसीज को टारगेट करना कि इसे हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ प्लांटेशन वर्क करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है कि उसी से रिलेटेड इशू से है कि आप कोई स्पीसीज कैसे सिलेक्ट करोगे कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए। अब एक बार आपने स्पीसीज सिलेक्ट कर ली, तो अब आपका दूसरा टारगेट आता है कि स्पीसीज को आप सिलेक्ट तो कर ली, लेकिन आप उसे ग्रो कैसे करोगे। मींस आपके पास एक तो ऑप्शन है कि उसके जो कुपाइस जैसी टाइप की कोई ओरिजिनेट कंटेंट है, मटेरियल है, उसको उसको लेके आना, या उसके सीड को कलेक्ट करना, मींस प्रोपोगुल मटेरियल इकट्ठा करना। तो सेकंड जो चैप्टर है वो अपना सीड सप्लाई जो है वो बेसिकली वही मुद्दा है कि आपने स्पीसी सिलेक्ट कर ली, आप सिलेक्टेड स्पीसीज का जो प्रोपोगुल मटेरियल है उसे कलेक्ट कर रहे हो। अब आपने जो मटेरियल कलेक्ट किया है, इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। या तो आप सीधे के सीधे सीड जो है उन्हें सीधा खेत में डाल दो, मीन्स आपकी जो जमीन थी उसमें डाल दो जहां पर आप प्लांटेशन करना चाहते हो, लेकिन इससे क्या है कि सर्वाइवल जो परसेंटेज है या सीड आपने लगा दी उससे पेड़ बन जाए, इस बात के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यूजुअली हम करते क्या है कि उसके लिए वो जो सीड लिया था उसे हम डायरेक्ट ऑन ग्राउंड में प्लांट, वो सीड की सोविंग ना करके हम जनरली उसे नर्सरी में ग्रो कर देते हैं और वहां पर हम बनाते हैं प्लांटिंग मटेरियल। एक बार हमारा जो प्लांटिंग मटेरियल बन गया, अब इसके बाद हम वहां पर प्लांटेशन वर्क काम कर सकते हैं। या पर जो सीड सप्लाई जो किया था, और अगर हम सीधे डायरेक्ट ही सीड सोविंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सीड की डायरेक्ट सोविंग कर सकते हैं, मतलब उसे थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वगैरह दे दिया, इसके बाद हम सीधे से सीड सोविंग या प्लांटिंग कर देते हैं। अब अगर एक बार प्लांटेशन या सीड सोविंग का मतलब ग्राउंड में जिस फील्ड में हम करना चाहते हैं वहां हमने प्लांटिंग कर दी। अब प्लांटिंग करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार प्लांटेशन कर दी और चादर ओढ़ के सो जाएंगे, हमें कोई आगे पीछे कोई करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमें इशू क्या है कि इतना करने के बाद भी हमें उसे कंटिन्यू देख रेख करनी पड़ती है उसकी, यानी कि उसकी क्या करनी पड़ती है, मेंटेनेंस। तो इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो उसकी मेंटेनेंस इशू है, क्योंकि वीड वगैरह है, कंपटीशन वगैरह बढ़ जाता है तो फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमें उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेंटेनेंस देखनी पड़ती है। तो ये चैप्टर जो है वो उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड है। अब एक बार मेंटेनेंस हो जाती है तो धीरे धीरे पेड़ जब अपने बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें उसकी कमी होती है कटाई छटाई, मतलब टेंडिंग ऑपरेशन। तो इस टाइप से इसमें लास्ट चैप्टर जो अपना आएगा वो आएगा टेंडिंग ऑपरेशन, और फिर पेड़ जब और बढ़ जाएंगे और जब फाइनल पहुंच जाएंगे तो हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये अपना जो पार्ट बनता है वो अपना एक अलग ही चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। तो ये एक्चुअली इस यूटिलाइजेशन का पार्ट बनते हैं। तो यहाँ पर अपन टेंडर ऑपरेशन तक का एक जो एक सिस्टम सा है उसे समझ में आ गया। अब यहाँ जो सोविंग और प्लांटिंग है, तो यहीं पे एक तो नॉर्मल है सोविंग प्लांटिंग, और ये एक्चुअल में ये सोविंग प्लांटिंग करते हैं वो हम किसी ना किसी डिफिकल्ट साइट में करते हैं। तो यहाँ पर एक और भी चैप्टर है, अफोरेस्टेशन ऑफ डिफिकल्ट साइट। जो डिफिकल्ट साइट है उनमें अफोरेस्टेशन एक्टिविटीज करना, तो ये भी चैप्टर हम साइड में निपटा लेते हैं। यहाँ पर ये एक फ्रेम समझ में आ गया, तो अपना मेन चैप्टर है जो चॉइस ऑफ स्पीसीज है उसे देख लेते हैं। चॉइस ऑफ स्पीसीज, जैसे कि मैंने बोला कि मान के चलो आप अजमेर में IFS है, वहाँ के DFO है, और आपसे बोला गया कि हाँ सिटी के आसपास का कोई बाहर का एरिया है जो वेस्टलैंड था उसमें आपको एफोरेस्टेशन करना है। तो अगर आपको वहाँ एफोरेस्टेशन वर्क करना है तो आपके सामने क्या आएगा? ऐसे तो राजस्थान में लगभग 100 के ऊपर स्पीसीज उग रही, तो क्या किसी को भी लगा देंगे? तो आप कोई भी स्पीसी, पर्टिकुलर स्पीसी जो आप सेलेक्ट करोगे जो उसके लिए सुइटेबल हो,
लेकिन ये सुटेबिलिटी वो है स्पीसीज की, वो किस बेस पे डिसाइड करोगे? तो आप डिसाइड करोगे जनरली किस बेस पे, पहले तो ये देखोगे कि साइट फैक्टर क्या है, मींस वहां पर जहाँ प्लांटेशन वर्क कर रहे हैं वहाँ की वेदर कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है और बायोटिक प्रेशर कैसे है। तो आपने चार जो होते हैं क्लाइमेटिक इफेक्ट, टोपोग्राफिक और बायोटिक, इनको शॉर्ट फॉर्म में सीधे लिख लेते हैं क्योंकि ये चार फैक्टर होते हैं, तो इन्हें सीधे चार लिख लिए फोर। इसके साथ साथ आप ये बोल सकते हो कि अपना प्लांटेशन जो कर रहा है उसका पर्पज क्या है, हम कोई इंडस्ट्रियल के लिए कर रहा है या जस्ट वो वेस्ट लैंड है उसके इरोजन वगैरह या वेस्ट लैंड को ब्लॉक करने के लिए कर रहा है कि वो आगे फर्दर वेस्ट लैंड डेवलप ना हो, मीन्स इस टाइप से प्रोटेक्शन प्लांटेशन कर रहा है, या फिर हमारा पर्पज ये है कि भाई यहाँ पर हम सीनिक ब्यूटी के लिए कर रहा है, यानी कि सोशल डेवलपमेंट या सोशल पार्क डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसके लिए काम कर रहा है। तो इस टाइप से मुद्दा ये आता है कि हम उस वेस्ट लैंड में जो प्लांटेशन कर रहे हैं उसके पीछे हमारा एम क्या है। हो सकता है राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला कि हम जेट्रोपा की प्लांटेशन करना चाहते हैं, मतलब इस टाइप की जो एनर्जी क्रॉप्स है उनकी प्लांटेशन करना चाहते हैं, उनमें एक जेट्रोपा है, फ्यूल वुड प्लांटेशन है, तो इस टाइप के जो एम है वो क्या है। इसके साथ थर्ड मुद्दा ये है कि हर पेड़ की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसकी सिल्विकल्चरल रिक्वायरमेंट होती है, उसके कुछ सिल्विकल्चरल कैरेक्टर्स की वजह से उसकी कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको वो रिक्वायरमेंट्स उसकी फुलफिल करनी ही होती है। तो पहले आपको ये भी देखना होता है कि उसकी जो डिमांड है उनकी आपके पास एक्सपीरियंस और आप वो पूर्ति कर भी पाओगे या नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे आपने बहुत ही जिसके ऐसे प्लांट लेके आए जिसकी डिमांड बहुत हाई है और आपने उसको दिया कुछ नहीं, तो इससे क्या होगा उसकी जब प्रॉपर उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो प्रॉपर जो ग्रोथ थी या जो फंक्शन थी वो नहीं करेगा और उसका रिजल्ट आएगा कि आपका जो फाइनल गेन होगा उसमें कमी आ जाएगी। और लास्ट जो सबका बेस है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इस बात पे सक्सेस करता है कि उसमें उसके लिए आपके पास कितना फंड है, और फिर जो इसका प्रोजेक्ट के बाद जो फाइनल नेट गेन होगा, तो नेट गेन जो है वो क्या हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उतना ही मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। तो अपने जो चैप्टर का जो फैक्टर्स का जो फ्रेमवर्क है वो यही रहेगा। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जब भी इस पर बात होती है कि स्पीसीज है तो स्पीसीज के मुद्दे आते हैं कि स्पीसीज हार्डवुड है या सॉफ्टवुड है, इंडिजीनस है या एग्जॉटिक है, प्योर क्रॉप है या मिक्स क्रॉप है, नर्स क्रॉप या कवर क्रॉप के मुद्दा आते हैं, और एक और मुद्दा है फास्ट ग्रोविंग और स्लो ग्रोविंग का। अगर टाइम बचा तो इसमें देख लेंगे कि पॉपुलर और यूकेलिप्टस की कंट्रोवर्सी क्या है। तो ये अपना इस चैप्टर का एक फ्रेम है। अब इसमें फ्रेम एक बार समझ में आ गया तो अपने एक एक करके करते हैं। तो पहले तो हम फैक्टर्स को समझ लेते हैं और ये फिर जो छोटे छोटे इशू है जिन्हें आप एक टाइप से साइड नोट समझ लो, इन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना आता है मुद्दा फैक्टर्स का। तो फैक्टर्स की जैसे बोले कि अपने बेसिकली तो जो चार फैक्टर्स थे वही रहे, साइड फैक्टर, पर्पज ऑफ प्लांटेशन, सिल्विकल्चर कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज और इकोनॉमिक फैक्टर। तो जो पहला फैक्टर था उसमें अपन एक एक करके इसके पढ़ लेंगे। तो पहला तो अपना है क्लाइमेटिक फैक्टर। अगर क्लाइमेटिक फैक्टर में बात की जाए तो देखो हर स्पीसीज की पर्टिकुलर क्लाइमेट और रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट कैसे, जैसे कि मान के चलो कोई स्पीसीज है जो कि हॉट डेजर्ट एरिया की है, उसको जो है रेनफॉल अगर उसे 250 mm से कम भी है उसे चलेगी। हॉट डेजर्ट एरिया की स्पीसीज कौन सी है, अकेसिया एल्बिजिया और प्रोसोपिस। एक है ये अकेसिया है, ये है एल्बिजिया और ये है प्रोसोपिस, मीन्स अकेशिया टॉर्टिलिस है, अकेशिया सेनेगाली है, लेकिन यूजुअली यहाँ पर जो स्पीसीज आती हैं, यहाँ पर एक स्पीसीज आती है अकेशिया, अकेशिया की स्पीसीज होंगी, दूसरा है अल्बिजिया, अल्बिजिया लीबैक वगैरह आती है, और तीसरा आता है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस सिनेरिया। तो इनको शॉर्ट में हम क्या कर देते हैं, आप कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा याद रखने में आसान हो जाता है। तो ये जो तीनों है आप जो है आपकी गवर्नमेंट ये कहाँ बनती है, हॉट डेजर्ट में। हॉट डेजर्ट कहने का मतलब ये हॉट डेजर्ट नहीं है, ये सेमी एरिड कंडीशन है। क्या है, सेमी एरिड कंडीशन। एरिड में हॉट डेजर्ट में एग्जैक्ट हॉट डेजर्ट में ग्रो नहीं करते, ये सेमी एरिड में हॉट डेजर्ट के आसपास, जो राजस्थान का सपोज पूरा पूरा राजस्थान ले लो, तो ये तो जो हॉट डेजर्ट मान लो उसमें नहीं उगती है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है जिसे हम बोलते हैं सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन जो है उसमें ये स्पीसीज ग्रो करती है। और उसी टाइप का जो सेमी एरिड रीजन कोल्ड रीजन का है, कोल्ड एरिया है जैसे कि लद्दाख वगैरह है, वहां पर कौन सी उगती है, वहां पर अपने सेलेक्स है, पॉपुलर है और जूनिपर्स है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर आपको इसकी ये तीनों स्पीसीज
और ये तीनों स्पीसीज तो कम से कम याद होनी ही चाहिए। एक कॉमन सेंस वाली बात है कि वहां सेलिक्स कहाँ होता है, पॉपुलर कहाँ होता है और जूनिपर्स कहाँ होते हैं, और इधर आपकी गवर्नमेंट बनानी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेटिक फैक्टर है, जैसे बोला कि जो हॉट डेजर्ट वाले हैं उनको हम उखाड़ के कोल्ड डेजर्ट में नहीं लगा सकते, या लद्दाख वालों को राजस्थान में नहीं लगा सकते, अगर लगा दी तो दूसरे दिन ही वो जलस के खत्म हो जाएंगे। तो हर स्पीसीज की एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरा इसी में हम देख लेते हैं कुछ है सेमी एरिड रीजन के, मतलब ये भी सेमी एरिड में वही आ जाएंगे, अपनी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ पर लिख रखा था ये भी सेमी एरिड की ही है, थोड़ा रेनफॉल ज्यादा आ जाता है। तो इसमें जो आप गवर्नमेंट है आप ही रहेगा, उसके साथ अपना जुड़ जाएगा नीम और पोंगामिया पिन्नाटा। तो यहाँ पर ये इन दोनों को भी याद रख लेना। ये जो करंज है पोंगामिया पिन्नाटा, ये बाद में भी सीड ऑयल यूज करते हैं इसका, जो अपना पेट्रोल टाइप का डीजल बनाते हैं। तो पोंगामिया पिन्नाटा को काफी एफोरेस्टेशन वर्क में भी काफी अच्छा काम करता है और सीड ऑयल में, तो इसलिए काफी आगे यूज काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसे याद रख लेना। ये पोंगामिया पिनाटा नीम है और ये अपने आप वाले हैं, ये सब के सब सेमी एरिड रीजन में प्लांटेशन में काफी वर्क करते हैं। और इधर हो गया अपने सेलेक्स पॉपुलर और जूनिपर्स। यहाँ पर फिर अगर नॉर्मल वेदर की बात की जाए तो नॉर्मल वेदर की कंडीशन में अपना यहाँ पर यूकेलिप्टस कैचुराइन वगैरह है, टीक साल और ये जो प्रकार की स्पीसीज है ये चलती रहती है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में आपको बहुत कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, आपको ये जो सेमी एरिड वाले और सेमी कोल्ड जो कोल्ड डेजर्ट है इन्हें याद रख लो, काम हो जाता है अपना। यहाँ बताने का पर्पज यही था कि जिस टाइप की स्पीसीज है उसे पर्टिकुलर टाइप का ही क्लाइमेट चाहिए, वो तो किसी दूसरे क्लाइमेट में ग्रो नहीं करती है। अब क्लाइमेटिक के बाद अगर आप एडाफिक की बात की जाए तो सिमिलर प्रॉब्लम एडाफिक के साथ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात की जाए कि जैसे ब्लैक कॉटन सॉयल है, आपने देखा होगा कि जो ब्लैक सॉयल होती है इसमें जब सूखा पड़ता है तो इसमें क्रैक आ जाते हैं, और ये क्रैक लगभग 1-1.5 मीटर नीचे तक गहराई तक चले जाते हैं। तो जो स्पीसीज है ये क्रैक की वजह से क्या होता है कि उनके ऊपर के जो जब चटकते हैं तो जो ऊपर की जो रूट्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती है। अगर आपने स्टार्टिंग में किया और आपकी प्लांटेशन 1-2 साल की है तो इस टाइप के क्रैक से जो रूट हेयर्स का जो डैमेज होता है, बहुत सारी स्पीसीज जो रूट हेयर के डैमेज को झेल नहीं पाती है। तो नहीं, ऐसी स्पीसीज जो इसे झेल लेती है वही इस टाइप की समस्याओं में ग्रो कर पाती है। जिसमें जो ब्लैक कॉटन सॉयल है, आप देखोगे कभी ये जो कॉटन सॉयल होगी या तो महाराष्ट्र में मिल जाएगी आपको, या एमपी के कुछ एरिया है वहां पर ब्लैक कॉटन सॉइल में अक्सर आपको अकेसिया निलोट का भी डोमिनेंस मिलेगी। पोंगा में पिन्नाटा भी है लेकिन क्योंकि ये ड्राइट जो ड्राउट यानी कि ड्राई कंडीशन है वो काफी अच्छा झेल लेता है, लेकिन यहाँ जो बेटर आपको डोमिनेंस मिलेगी वो अकेसिया निलोट का की मिलेगी। इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो क्रैक्स पड़ते हैं तो जो रूट हेयर का डैमेज होता है उसको भी ये झेल लेता है, मतलब रूट हेयर के डैमेज से ज्यादा इफेक्टेड नहीं हो पाता है क्योंकि इसकी डीप रूट सिस्टम काफी अच्छा होता है। तो इस टाइप के जो एडाफिक फैक्टर है वो भी देखना होता है कि जहाँ हम लगा रहे हैं कहीं वहां पर इस टाइप के जो सॉइल से रिलेटेड इश्यूज हैं, कहीं सॉइल में हार्ड पैन फॉर्मेशन हो रखा है, या सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, या एसिडिक है, बेसिक सॉइल है, किस टाइप की सॉइल है उसके हिसाब से हमें स्पीसीज को एक बार देखना होता है। अब अगर एडाफिक हो गया तो फिर अपने पास वही है, टोपोग्राफिक देख लेंगे, जमीन की किस टाइप का है, स्लोपी लैंड है, किस टाइप की जमीन है, या फिर अपने बायोटिक प्रेशर देख लेंगे कि बायोटिक मीन्स यहाँ पर किस टाइप का ग्रेजिंग प्रेशर है, या यहाँ पर इलीगल लोपिंग, लोग जबरदस्ती रात में पेड़ तो नहीं काट ले जाते हैं, पेड़ों के ऊपर की ब्रांचें तो नहीं काट के ले जाते हैं बकरियों को चारा वगैरह के लिए। तो इस टाइप के जो बायोटिक प्रेशर है उन चीजों को भी हमें समझना होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोटिक प्रेशर अगर मान चलो सपोज ज्यादा है तो उसका पर्पज ये है कि बायोटिक प्रेशर सपोज फूडर क्रॉप के लिए है तो हम वहां पर ट्राई करेंगे कि फूड अगर बायोटिक प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब वहां पर फूडर क्रॉप की अवेलेबिलिटी कम है, तो हम वहां पर ऐसी न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को लगाएंगे जो फूडर क्रॉप को प्रमोट कर दें, क्योंकि हम फॉरेस्ट में कर रहे हैं तो यूजुअली हो सकता है कि ये जो फूडर क्रॉप का जो प्रेशर है ये वाइल्ड लाइफ का भी हो सकता है। तो अगर वाइल्ड लाइफ का ज्यादा है तो वहां पर अपना एम है वाइल्ड लाइफ को फूड प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी क्रॉप को हम प्रमोट करेंगे जो वहाँ फूडर प्रोडक्शन बढ़ाए, न्यूट्रिशियस लीफ वगैरह प्रमोट करती हूँ, तो इस टाइप से हम वहाँ फूडर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बायोटिक प्रेशर को भी हम कंसिडर करके चलेंगे। अब अगर एक बार ये काम हो गया अपना यानी कि साइड फैक्टर देख लिया आपने, तो इसके बाद अपना नेक्स्ट मुद्दा आता है कि हम प्लांटेशन वर्क क्यों कर रहा है, मतलब अपना बेसिक इसके पीछे करने के पीछे जो पर्पज है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र या आपकी राजस्थान गवर्नमेंट है उसने बोल दिया कि हमें इंडस्ट्रियल प्लांटेशन करना है महाराष्ट्र में, ये जो सॉरी राजस्थान में है, कोरोना के बाद हम जो इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है, राजस्थान में हमें पेपर मिल लगाना है। तो पेपर मिल लगाना है तो आपको पेपर के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, मीन्स बेसिकली जो है
बोला हमें एक काम करते हैं, पूरी पूरी दुनिया में जो यूज कर रहे हैं, एक तो है पॉपुलर, दूसरा है यूकेलिप्टस और तीसरा है बम्बू। बोला हम तीनों का मिक्सअप में ग्रो करेंगे और पेपर बनाएंगे। तो आपके पास क्या होगा अगर राजस्थान गवर्नमेंट कल ये बोल देती है कि हम किसी दूसरे स्टेट से पेपर नहीं खरीदेंगे, हमारा पेपर हमारे यहाँ प्रोड्यूस होना चाहिए। तो आप राजस्थान के कुछ एरिया में आबू हिल्स के आसपास कुछ ढूंढोगे जहाँ पर ये उग जाए, क्या पॉपुलर यूकेलिप्टस और बम्बू, और आप उन्हें वहां पर साइट ढूंढ करके वहां पर प्लांटेशन कर दोगे। मतलब आपका पर्पज ऑफ प्लांटेशन क्या है, आपको पेपर और पल्प से इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो उससे रिलेटेड हो गया। या फिर जैसे कि हिमाचल में है चीड़ पाइन, चीड़ पाइन से रेजिन की टैपरिंग की जाती है, तो जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनने पूरे पूरे जो बहुत सारे हिल्स में खासकर शिवालिक और जो मिडिल हिमालय है उसमें जो फॉरेस्ट थे उसे क्लीन करके पूरे में चीड़ पाइन की प्लांटेशन कर डाली। ये प्लांटेशन वर्क का क्या पर्पज है कि जब यहाँ पर वैसे तो उन्हें पूरे 1 हेक्टेयर में सपोज 4 चीड़ पान के मिल रहे थे, अब उन्होंने यहाँ पर 10,000 लगा दिए 1 हेक्टेयर में, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उन्हें अब पाइन ही पाइन मिलेगा। तो इस टाइप से जब रीजन की टैपरिंग की जाएगी तो रीजन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। यही सिमिलर अगर जम्मू कश्मीर वालों की बात की जाए तो वहाँ सेलेक्स जो है, ये अपना जो द्रास वाला रीजन है, ये जो टाइगर हिल्स से रिलेटेड है, मीन्स जम्मू जो कश्मीर वैली रीजन है उसको जो लद्दाख से जोड़ता है, तो जो बीच का रीजन है उस रीजन में सेलेक्स की प्लांटेशन काफी अच्छी होती है। रीजन क्या है, वहाँ क्रिकेट बैट, क्रिकेट के जो बैट बनाने की इंडस्ट्री वो काफी डेवलप हो चुकी है, तो ये सेलेक्स के क्रिकेट बैट बनते हैं। तो अब ये उनकी रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से प्लांटेशन कर रहे हैं वो। तो इसका कहने का मतलब है कि पर्पज क्या है, या तो इंडस्ट्रियल डिमांड है आपकी इस टाइप की कोई, तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप इस टाइप की प्लांटेशन वर्क कर रहे हो, या फिर मान के चलो राजस्थान गवर्नमेंट बोलती है कि जयपुर में पॉल्यूशन बहुत हो रखा है, तो उससे रिलेटेड जो उसकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, उसको कंट्रोल करने के लिए जयपुर के आसपास प्लांटेशन वर्क करना चाहती है, या फिर सैनिक ब्यूटी है, उन्होंने बोला कि हम राजस्थान का ब्यूटिफिकेशन करेंगे, तो बोला क्या करेंगे हम के रोड के किनारे किनारे फूल वाले पेड़ों की प्लांटेशन करेंगे। तो इस टाइप की आपकी कोई सोशल डिमांड है, फ्यूल फूडा टेम्बर की है, कोई सीनिक ब्यूटी के, एस्थेटिक ब्यूटी के पर्पज है, तो इस टाइप के हमारे पर्पज हो सकते हैं और उन पर्पज के हिसाब से हम अपनी स्पीसीज सिलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट अपना आ जाता है कि कोई स्पीसीज जैसे हम कर रहे हैं क्या उसकी उसकी भी तो है कुछ डिमांड होंगी, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो उसकी क्या है कि उसकी कुछ इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, कुछ सिल्वीकल्चरल रिक्वायरमेंट है। सिल्वीकल्चर मतलब कि वो लाइट डिमांडर है या सेट डिमांडर है। इकोलॉजिकल मतलब किस टाइप के, उसे टेम्परेचर रेनफॉल वगैरह कुछ चाहिए। तीसरा उसका बोल सकते हैं कि साइट के साथ कैसा है, कि मान के चलो अगर सिंगल में लगा दिया तो साइट पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, जैसे अगर आपने यूकेलिप्टस लगा दिया तो वो तो उसे ओवर एक्सप्लॉइट कर देगा। तो इस टाइप से कि वो जो स्पीसीज है वो साइट पर कैसा इफेक्ट दे रही है, उसकी ग्रोथ रेट कैसी है, वो लोकल जो इंसेक्ट पेस्ट जो अटैक कर जाते हैं क्या उनसे उसे रेजिस्टेंस है या नहीं है, और मैंने इजी टू एस्टेब्लिशमेंट है, क्या हमने उसे लगा दिया कहीं तो आसानी से ग्रो हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा रख रखाव की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें जो है उन्हें हमें ध्यान देना होता है, उसके हिसाब से ही हम लेते हैं। यूजुअली हम ऐसी स्पीसीज लेंगे जिसको रख रखाव की कम जरूरत पड़े और इंसेक्ट पेस्ट के अटैक ज्यादा ना होते हैं, जिससे अपना जो रख रखाव वाला जो कॉस्ट है वो कम हो सके। और लास्ट में इसमें देख सकते हैं अपने इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें मैंने वैसे ही बोला था कि सीधी सी बात है कि अपना जो प्रोडक्शन यानी कि जो इनपुट कॉस्ट है, अगर हमें उससे जो नेट आउटपुट है, अगर नेट रिटर्न जो है वो ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली अपन उसे प्रमोट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सफेद हाथी बांध लें कि जितने का अपना मीन्स ढोल नहीं है उससे ज्यादा के मंजीरे फोड़ दें, तो ये चीजें वो हम नहीं करेंगे। यहाँ पर अपने जो चॉइस ऑफ स्पीसीज के जो बेसिक पिलर थे उन्हें अपने यहाँ पर देख चुके हैं। अब यहाँ इशू क्या आता है इसके साथ साथ, क्योंकि जो स्पीसीज आते हैं तो स्पीसीज जनरली दो टाइप की कैटेगरी में आती हैं, एक होती है हार्डवुड और दूसरी सॉफ्टवुड। मैं हार्ड हार्ड हृदय हार्ड नहीं बोला हूँ, मैं हार्ड बोला हूँ ठोस कठोर। तो इस टाइप की कुछ चीजें होती हैं कि हार्ड और सॉफ्ट का मुद्दा आता है, या कभी कभी एग्जोटिक और इंडिजिनस का मुद्दा आता है, कई कई जगह आपको नर्स क्रॉप, कवर क्रॉप, या फास्ट ग्रोविंग, स्लो ग्रोविंग, इस टाइप के छोटे छोटे से मुद्दे आते हैं जो चलते रहते हैं स्पीसीज है, कि ये फास्ट ग्रोविंग स्पीसीज है, ये स्लो ग्रोविंग है, ये नर्स क्रॉप स्पीसीज है, ये कवर क्रॉप है, ये बाहर की है, ये घर की है, ठीक है। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको भी एक बार यहाँ देख लिया जाता है, जिससे आपका ये इशू जो इस टाइप के हैं जब क्वेश्चन आए तो दिमाग का दही ना हो। तो पहले हम देख लेते हैं जो हार्डवुड और सॉफ्टवुड का जो मुद्दा है उस पर। तो यूजुअली जो स्पीसीज है पूरी दुनिया में, एक तो है कॉनिफर्स,
अब इनकी जो एनाटॉमी है उसका फर्क है। तो जो कॉनिफर्स जो होती है इनके साथ क्या है, इनकी जो वुड है वो काफी सॉफ्ट है। मीन्स ऐसे समझ सकते हो कि इसका जो 10 10 फीट का जो लॉग होता है, मीन्स सपोज अगर उसका जो पेरीफेरी में, पेरीफेरी मीन्स ये अगर पेरीफेरी में सपोज ये जो है वो ठीक ठाक है, मीन्स सपोज ये 2 2 फीट का है पेरीफेरी, और ये लगभग 10 10 मीटर का लॉग है, तब भी इसे सिंगल आदमी उठा के ले जा सकता है, क्योंकि ये काफी हल्की लकड़ी होती है। और इसमें मतलब अगर आपने यहाँ से अगर नेल को ठोकना, कील ठोक दी, तो लकड़ी आराम, वो जो कील है वो आसानी से इस लकड़ी में घुस जाती है, एंटर कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। तो ये जो लकड़ी होती है किसी, खासकर जो कॉनिफर्स है अपने कॉनिफर्स की, इनकी जो लकड़ी है ये सॉफ्ट होती है, लाइट होती है, तो कलर में भी ये लाइटर होती है और वेट में भी ये हल्की होती है। जबकि वहीं अगर अपने यहाँ बबूल को देख लिया जाए, तो यहाँ पर अगर इसमें आप कील ठोक रहे हो तो आपका दिमाग पसीना आ जाएगा, लेकिन ये कील जो है उसमें लकड़ी में डीप के बाद, एक डेप्थ के बाद अंदर नहीं जा पाती है, क्योंकि अपनी जो वुड की जो है इसकी वो काफी हार्ड होती है, और केवल हार्ड ही नहीं बहुत भारी भी होती है। जितना आपने ये जो 2 फीट इसकी पेरीफेरी की, आपने 10 मीटर का लॉग एक सिंगल आदमी पतला सा भी उठा के लेके चला गया, यहाँ पर उसे अगर उसने यहाँ पर उसी को उठाने के लिए कम से कम 2 या 3 लोग चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि ये उससे लगभग कॉनिफर से लगभग ये 8 से 10 गुना भारी हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा हो जाता है। तो जो आपने ब्रॉडली रहे या यूजुअल जो आपने यहाँ जो आपने देखी होगी नॉर्थ इंडिया में, जो सेंट्रल पार्ट में है, हिमालय वाले पार्ट को छोड़ के, कॉनिफर्स को छोड़ के, तो जिनसे भी हमारा जो अक्सर सामना होता है वो हमारी ये हार्डवुड ही होती है। तो इनकी स्पीसीज जो है वो, जो वुड है कैसी है, वो है हार्ड है। मैं ध्यान रखें, मैं हार्ट की नहीं बोल रहा हूँ, एक टर्म और है HEART, हार्ट। ये जो हार्ट वुड होती है, यहाँ पर 2 टर्म और होते हैं, एक टर्म का भी आता है HEART और हार्ट वुड, और दूसरा होता है सैप वुड। सैप वुड ये अलग टर्म है हार्ट और सैप। इसमें क्या होता है कि ये जो वुड है इसका जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल जो है वो इसका हार्ड वुड होती है, और ये जो आउटर जो थोड़ा लाइटर पार्ट है इसको बोलते हैं हम सैप वुड। वैसे इसमें बोलेंगे इसका ये है हार्ड वुड और ये है इसका सैप वुड, जो किसी पर्टिकुलर का ही बोला, तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि हार्ड और हार्ट में कंफ्यूजन नहीं होने का। तो अगर आपने हार्ड और सॉफ्ट का इशू एक बार देख लिया है, तो अपना दूसरा मुद्दा आता है इंडिजिनस का और एक्जोटिक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अक्सर ये चॉइस ऑफ स्पीसीज से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो 60-70% इसी मुद्दे पे क्वेश्चन आते हैं। देखो तो इंडिजिनस मतलब वो स्पीसीज जो आपके देश की है, आपके लोकल रीजन की है। सपोज वो स्पीसीज जो नेचुरली राजस्थान में ग्रो करती हैं, उन्हें कहीं बाहर से लेके नहीं आया, वो यहीं से हैं, पिछले हजारों सालों से यहीं ग्रो करती रही हैं। लेकिन हम इंडिजिनस जो स्पीसीज है इनके कुछ एडवांटेज हैं, हम क्यों इन्हें प्रेफर करते हैं, मतलब अगर कहीं प्लांटेशन वर्क कर रहे हैं तो हम जनरली इंडिजिनस को क्यों प्रेफर करते हैं, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हम हजारों सालों से इन स्पीसीज को देखते आए हैं। तो पहली बात तो हर आदमी को इनके बारे में पता होता है कि हम इन्हें कैसे ग्रो करेंगे, इनमें कब सीड प्रोड्यूस होते हैं, कब हम इन्हें ग्रो करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, और कितने टाइम में ये मैच्योर हो जाती है, मतलब उनकी ग्रोथ क्या है। तो इस टाइप से हम उनके बारे में जो चीज समझते हैं, जो उनकी ग्रोथ वगैरह है, उसको हम काफी अच्छी तरीके से हम समझते हैं। इसके बाद क्योंकि वो सब जानते हैं, तो उसकी जो मार्केट है, जो लोकल मार्केट है, वो काफी अच्छा स्टेबलाइज हो चुका होता है, क्या लोकल मार्केट, और हम उसकी जो लोकल एनवायरनमेंट है खासकर, उसको ये पिछले हजारों सालों से अडेप्ट कर रखा होता है। तो इसका रिजल्ट होता है कि जो लोकल इंसेक्ट पेस्ट के जो अटैक्स हैं वो इन पर काफी कम पड़ रहे होते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं कि हमें अपने लोकलाइज चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, तो बात सही भी है कि हमारे खुद का जो बायोडायवर्सिटी है, हमारे लोकल की डायवर्सिटी है, तो इस टाइप से अगर हम लोकल को प्रमोट करेंगे तो हमारे जो लोकल जो नेटिव फ्लोरा है उसको एक टाइप से क्या मिल रहा है, कंजर्वेशन, हम उसे क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। इसके साथ जैसे कि इसका जो सीड कलेक्शन स्टोरेज है, ट्रीटमेंट आर नो प्रॉब्लम, इसका कहने का मतलब वही है कि हमें इन चीजों के बारे में काफी पहले से पता होता है कि क्या इनका चल रहा है, तो ये थोड़ा आसान चला जाता है। और क्योंकि ये लोकल है तो इसकी दर स्पीसीज आसपास दर ग्रो कर रखी होंगी, मीन्स बहुत सारी स्पीसीज पहले से होंगी, तो इसका अगर हमें बहुत एबंडेंट मात्रा में, अगर बहुत बड़ी मात्रा में सीड कलेक्ट करना है तो कोई बड़ा इशू नहीं होता है, आसानी से किया जा सकता है, किसी हमें कोई दूसरे देश की गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
दूसरा स्टोरेज वगैरह की भी कोई इतना हेडक नहीं होता कि हम एक बार लेके आए और 4 साल के लिए हमें सीडी स्टोर करना, अगले साल फिर प्रोड्यूस कर लेंगे, अगले साल यूज कर लेंगे। तो इस टाइप के जो इशू है लोकल के साथ, ये उनके एडवांटेज है। और लोकल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि हमें पॉपुलर, खासकर जो डिसएडवांटेज की बात की जाए तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो है अपना पेपर इंडस्ट्री। हमें पेपर इंडस्ट्री के लिए ऐसा पेड़ चाहिए जिसमें लिग्निन कम हो, लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो कम हो, मतलब लकड़ी जो है वो थोड़ी हल्की हो। दूसरी बात चाहिए कि वो ऐसा लिग्निन का डिपोजिशन क्यों चाहिए था, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं तो हमें फाइबर से बनता है, तो अगर लिग्निन ज्यादा होगा तो लिग्निन को निकालने में, फाइबर को निकालने में केमिकल बहुत ज्यादा लगते हैं, तो इससे पेपर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जैसे हमें चाहिए कि कम लिग्निन हो, यानी कि लिग्निफिकेशन कम हो उसमें। दूसरा मुद्दा अपना चाहिए होता है उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा हो। और तीसरा जो मुद्दा है कि जो स्पीसीज है वो फास्ट ग्रोविंग हो। फास्ट ग्रोविंग का मतलब वो कम टाइम में ज्यादा 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 मात्रा में फाइबर को प्रोड्यूस कर सके। तो हमें चाहिए फास्ट ग्रोविंग, कम लिग्निन वाला, कम लिग्निन वाले प्लांट्स। अब कई बार क्या है कि अपने जो ट्रॉपिकल वाले हैं इनमें इस टाइप के प्लांट नहीं मिल पाते हैं अपने को। अपने पास ऑप्शन में केवल बंबू आता है जो अपना इंडिजिनस है, बकाया की कोई अपने पास ऐसा है नहीं उस रिक्वायरमेंट का। तो इन दैट केस हमें कई बार बाहर जाना पड़ता है। तो इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें इंडिजिनस से नहीं मिल पाती है। स्पेसिफिकली बहुत सारी इंडस्ट्रियल है जो डिमांड्स हमें इंडिजिनस से नहीं मिल पा रही है। सेकंड, आपने देखा होगा कि जैसे पेंसिल बनाते हैं तो पेंसिल के लिए जो वुड चाहिए होता है कि स्ट्रेट फाइबर वाली हो, उसके फाइबर बिल्कुल स्ट्रेट हो जिससे कि पेंसिल सीधी कटे। तो इस टाइप के हमारे पास वुड नहीं है। तो इस टाइप की जो जरूरत है वो जहाँ इंडिजिनस नहीं कर पाती वहां पर हमें लेना पड़ता है एक्जोटिक। तो यहाँ पर जो इंडिजिनस के डिसएडवांटेज है वो बोल सकते हो आपके एक्जोटिक स्पीसीज के एडवांटेज है। अब मुद्दा आता है कि एक्जोटिक स्पीसीज होती क्या है। एक्जोटिक का मतलब हुआ कि ऐसी स्पीसीज जो अपने नेटिव, जो उसका नेटिव रीजन है, नेटिव वेदर जो है उससे बाहर ग्रो कर रही है। मतलब अगर राजस्थान की कोई स्पीसीज, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो राजस्थान में कोई स्पीसीज उग रही है या यूपी में कोई स्पीसीज उग रही है, अगर आप तमिलनाडु से स्पीसीज उखाड़ करके यूपी में लगा दोगे या राजस्थान में लगा दोगे तो इस टाइप से वो एक टाइप से एग्जोटिक स्पीसीज हुई। क्यों? क्योंकि वो उस रीजन की नहीं है। या फिर अपने यहाँ जो टीक है, आपको आपने शायद पहले भी कई बार पढ़ा होगा कि जो टीक होता है वो अपने यहाँ जो 24 डिग्री लैटिट्यूड है उसके नीचे उगता है। अगर आप यहाँ से टीक उखाड़ करके यहाँ पर ऊपर लगा दोगे उत्तराखंड में या तराई रीजन में टीक की प्लांटेशन कर दोगे, तो टेक्निकली बोला जाए तो वो वहां पर एग्जोटिक हुआ। लेकिन क्योंकि हम यूजुअली, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया 5-10 छोटे छोटे राजाओं का एम्पायर हो, क्योंकि पूरा एक ही नेशन है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी स्पीसीज को हम उसे एग्जोटिक नहीं मानते हैं। ब्रॉड सेंस में हमारे देश में कोई भी कहीं उग रहा हो हम उसे एग्जोटिक नहीं मानेंगे। कोई भी स्पीसी जो किसी दूसरे फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ आई हो हम उसे एग्जोटिक में कंसिडर करते हैं। अब एग्जोटिक जो लेके आ रहा है, हम क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन ही यही है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी डोमेस्टिक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो एक्जोटिक स्पीसीज है इसके कुछ एक्चुअली जो एडवांटेज है, जैसे कि एक तो वो फास्ट, कोई भी स्पीसीज होगी एक तो वो फास्ट ग्रोविंग होगी, और उसकी जो क्वालिटी, जिस क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट चाहिए उस क्वालिटी, उस कैटेगरी में उसका हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा, चाहे वो पेंसिल बनाने के काम हो या पेपर वगैरह के काम हो। कहने का मतलब है उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन मतलब मात्रा और क्वालिटी दोनों ही बहुत ज्यादा होंगे। इसके बाद अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हमने उसे अपनी सॉइल कंडीशन के हिसाब से भी देखा होगा, तो उसकी यूजुअली हमारी जो सॉइल कंडीशन में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर रही होगी, तभी हम उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ एक बहुत मुद्दा आता है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि देखो अगर हमें कोई स्पीसीज लेके आए तो हमें तो वहाँ बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा अपने यहाँ लोकल ले आने में। मीन्स कोई स्पीसीज ऑस्ट्रेलिया से उखाड़ ले आए यहाँ पर, तो स्पीसीज को बहुत अगले 8-10 साल तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ सुटेबल है या नहीं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया की जो वेदर है हम होम क्लाइंट वाला कॉन्सेप्ट चलता है, कि वहाँ की वेदर यहाँ की वेदर की सिमिलरिटी के बेस पर। तो दूसरा इसमें ये भी बेनिफिट हो जाता है कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया उस पर पिछले 25 साल से काम कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया को हम पैसे दे देंगे उनकी मजदूरी, तो जो 25 साल में जो उस कंट्री ने जो डेवलपमेंट किया, उसकी जो रिसर्च है, उसका एक्सपीरियंस है, जो R&D किया, उसको हम आपस में शेयर कर लेते हैं, उसको हमें फिर अपने यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसके सीधा हाई यील्ड वेराइटी यहाँ लेके आ गए। जैसे कि पॉपुलर की बहुत सारी जो वेराइटी है वो हम सीधी बाहर से सीधी की सीधी आई है अमेरिका वगैरह से। तो एक तो अपने पास चॉइस की कैटेगरी बढ़ जाती है, दूसरा एक कंट्री के R&D हम यूज कर लेते हैं, और सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट
देखो अगर आपको मैं कोई नई क्रॉप दे दूं और बोलूं कि इसको कंज्यूम कर जाओ, तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कंज्यूमेबल है या नहीं, पॉइजनस तो नहीं है। यही सिमिलर पैटर्न चलता है इंसेक्ट पेस्ट के साथ। जब बाहर की स्पीसीज नई नई जब आपके यहाँ आती है, तो लगभग अगले 15-20 साल तक, क्योंकि वो जो नई नई स्पीसीज आई है वो लोकल की जो इकोसिस्टम है उसके साथ अभी एडजस्ट नहीं हुई है। उसे कम से कम 15-20 साल लग जाते हैं इसी बात के एडजस्टमेंट में, कई बार तो उसे 40-40 साल तक लग जाते हैं। तो जो लोकल के जो इंसेक्ट पेस्ट है उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इस स्पीसीज पर अटैक करना चाहिए या नहीं, ये कंज्यूमेबल है या नहीं। तो यूजुअली जो इंसेक्ट पेस्ट है वो उसको प्रिफर नहीं करते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि जो एक्जोटिक स्पीसीज है जनरली वो इंसेक्ट पेस्ट अटैक नहीं करते, तो एक टाइप से रेजिस्टेंस टाइप की शो करते हैं बिहेवियर, जैसे वो उनसे अटैक से रेजिस्टेंट। हाँ ये बात अलग है कि अगले 20-25-30 साल बाद उन पर वो धीरे धीरे अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जब यूकलिप्टस आया था तब उसमें पिंक डिजीज नहीं होती थी, बाद में धीरे धीरे करके अब उसमें ये पिंक डिजीज जैसी चीजें होने लगी हैं। अब इनके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अपना आता है इकोलॉजी वाला। ये लोकल इकोलॉजी में या इकोसिस्टम जो अपना होता है इसमें इनका कोई खास रोल होता नहीं है। ये बिल्कुल अलग दुनिया से आकर के यहाँ पर सुनसान सा बैठ रखा होता है। इकोसिस्टम अपनी मौज में होता है, ये अपनी दुनिया में चल खोया होता है। और इसके साथ दिक्कत क्या आता है कि कई बार क्या है इनकी कोई देखो कॉम्पिटिटर तो है नहीं, ये बाहर से आ गए हैं इकोसिस्टम में, तो इनका रोल है नहीं। तो इन्हें बहुत सारे रोल या इन पर जो इंसेक्ट पेस्ट अटैक कर रहे हैं वो भी नहीं है इनके पास। कंपटीशन ज्यादा कुछ है नहीं, क्यों? क्योंकि ये तेजी से ग्रो करते हैं तो दूसरों को आसानी से हरा देते हैं। इसकी दिक्कत ये होती है कि अगर इन पर कंट्रोल नहीं किया तो ये अगर यहाँ के इकोसिस्टम में फैल गए तो ये अपनी इंडिजिनस की जान पर पड़ जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी स्पीसीज सुनी होगी जो एबनॉक्सियस हो गई, ऑबनॉक्सियस, इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये जब अनकंट्रोल हो गई तो क्योंकि इतनी तेजी से फास्ट ग्रो करने वाली है, इकोसिस्टम का ज्यादा इम्पैक्ट है नहीं, तो इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि ये अपनी इंडिजिनस स्पीसीज को, चाहे कॉम्पिटिशन वाली बात हो या ग्रोथ की बात, आसानी से उसने हरा देती है। बाद में दूसरी बात यह है कि ये एक टाइम के बाद ससेप्टिबल भी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये इकोलॉजिकली लेस वैल्यूएबल और ऑब्नॉक्सियस हो जाती है, और इंसेक्ट पेस्ट का भी एक इशू है। तीसरा ये है कि देखो स्टार्टिंग में जो है तुम कि ऑस्ट्रेलिया से लेके आओगे तो मुफ्त में नहीं दे देता है, आपको उसके भी पैसे लगते हैं। और फिर है उसको यहाँ से, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से उखाड़ के ले आए कोई प्लांटेशन और यहाँ सीधा राजस्थान में लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। उसकी पूरी प्रोसेस होती है, उसको भी क्वारंटाइन करना होता है। तो क्यों क्वारंटाइन क्यों करते हैं? क्योंकि उसके साथ कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा इंसेक्ट पेस्ट आ जाए जो आपके यहाँ ना हो। तो क्या है कि वो इंसेक्ट पेस्ट सपोज ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे आप यूकेलिप्टस, तो वो इंसेक्ट पेस्ट की वहाँ पूरी साइकिल थी, तो उसको भी कंट्रोल करने वाले कुछ दूसरे कीड़े मकोड़े वहाँ होंगे। जब आप यहाँ आप लेके आए, यहाँ उसको कंट्रोल करने वाले कोई कीड़े मकोड़े नहीं थे, तो वो यहाँ पर तो कूद कूद के नंबर बढ़ा देगा, और जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो आपके यहाँ दर डैमेज पहुंचाएगी, और आपके पास कोई कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं होगा इकोलॉजिकली। तो ये वजह होती है कि हमें उसे क्वारंटाइन करना पड़ता है। तो क्वारंटाइन से पहले हम उसको इंट्रोडक्शन जो करते हैं उसे करते हैं, उसको आसानी से धीरे धीरे करके एक्लोमेटाइज करते हैं। तो ये लगभग 8-10 साल इसी प्रोसेस में खा लेता है। तब भी 8-10 साल प्लांट के बारे में बात की जाए तो ये लगभग निग्लिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्च होते हैं वो लगभग 100-120 साल लगते हैं, तो 8-10 साल तो कुछ है ही नहीं उसके लिए। और एक साथ इसके साथ ये भी इशू है कि बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो अपनी लाइफ तो जीते हैं लेकिन वो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो कभी वायबल प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं। मतलब आपने लगा दिया वो ग्रोथ कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो वेदर उनको प्रॉपरली चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है यूकेलिप्टस। इंडिया में यूकेलिप्टस पिछले 200 सालों के आसपास होने वाला है, 200 सालों से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक अपने यहाँ जो यूकेलिप्टस है उसके जो सीड्स है उसको अगर बोला जाए तो आप ऐसा नहीं कि आप उसको पकड़ के आप जबरदस्ती उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हो, ट्रीटमेंट के बाद लगा रहे हो, ट्रीटमेंट के बाद तो यूजुअली वो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब अगर नेचुरल कंडीशन की बात की जाए तो यूकलिप्टस नेचुरली अगर नीलगिरी रेंज को छोड़ दिया जाए तो नीलगिरी के बाहर इंडिया में जनरली जो अपने और रीजन है वहां पर यूकलिप्टस अपनी खुद की दम पर ग्रो नहीं कर पाता है। तो हम जनरली जो लेबोरेटरी में जो करते हैं वो हम उसे ट्रीटमेंट दे दू करके ग्रो कर लेते हैं। और फिर इसके साथ इशू आता है इनकी हेल्थ इशू के साथ जो मैंने बोला एनवायरनमेंट वाला। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा पॉपुलर के साथ जिसे बोलते थे ये रशियन पॉपुलर, ये रशिया से नहीं है ये यूएस का है। इसके साथ इशू क्या था कि ये एलर्जी कर देता था वहां पर, क्योंकि इसके जो पोलन ग्रेन है आपको पता है फूल होते हैं, फूल के पोलन ग्रेन होते हैं तो एयर में आ जाते हैं। अब जब एयर में बहुत ज्यादा होते हैं
जब उसे एयर में जब सांस लेते हैं तो उसके साथ जब ये पोलन ग्रैंड अंदर चले जाते हैं तो अपनी जो ट्रैकिया है, जो सांस श्वसन श्वास नाल है, जो एक्चुअली ट्रैकिया जो बोलते हैं, तो ट्रैकिया में इन्फेक्शन हो जाता है वहां पर। तो ये रीजन था जिसकी वजह से वहां पर जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट था उसने फिर बाद में ये बोला कि इस पेड़ों को वहां से काट दो। तो ये इसके साथ हेल्थ इशू जैसे कर दी। दूसरा यहाँ पर जो तेलंगाना में आया था प्रोसोपिस सिनेरिया, जो अपने सिनेरिया है खिचड़ी जूली फ्लोरा अपने, ये खिचड़ी नहीं है, ये जो अपने मस्केट बीन जो लगा रखा है अफ्रीका से आया है मैक्सिको से, तो ये जो मैक्सिकन जो लगा रखा है अपने मैक्सिकन अकेसिया उसका मुद्दा आ जाता है। तो वहाँ पर तेलंगाना में भी उसे एक टाइप से ऑब्नॉक्सियस बना रखा था। तो इस टाइप के डिसएडवांटेज है। चंबल में इसकी 85 के टाइम पर प्लांटेशन की गई थी, एयर सीडिंग आगे देखें। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि एक लिस्ट आती है कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्जोटिक स्पीसीज है उनकी। ये जो एक्जोटिक स्पीसीज है ये आपसे पूछी जाती है कौन सी एक्जोटिक स्पीसीज किस देश से आई है, आपसे ये किस रीजन में ग्रो कर रही है इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी एक्जोटिक स्पीसीज किस देश से आई है। तो यूजुअली जो अपने यहाँ अकेसिया आई है खासकर, एक तो याद रखो अकेसिया टॉर्टलिस, ये जो अकेसिया टॉर्टलिस है कम से कम 10 to 12 टाइम पूछी जा चुकी है और ये अपने यहाँ आई है इजराइल से। इसे याद रखो ये इजराइल से, ये इजराइल से आई है और ये अपने राजस्थान में एक्चुअली प्लांटेशन की गई। तो ये अकेसिया टॉर्टलिस अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कभी आपसे बात की जाएगी तो यहाँ पर दो बातें आती है, एक तो आती है अकेसिया और दूसरा है कजुरान और तीसरी है यूकेलिप्टस। ये तीन चीजों को याद रखना है मेनली। तो यहाँ पर जो बकायदी जो रिमेनिंग जो ज्यादातर जो अपनी अकेसिया है जैसे अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस, यूजुअली ये इसी को पूछा जाता है, जैसे सफेद बबूल ऐसा कुछ टर्म यूज करते हैं। तो अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस, ये जो ऑरिकुलिफॉर्मिस है ये आया कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो याद रखना अकेसिया की जो स्पीसीज है वो ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन सभी अकेसिया नहीं। एक दूसरा है यहाँ पर अकेसिया मियरेंसी, ये जो मियरेंसी है ये है नहीं, अकेसिया मियरेंसी यहीं से है ऑस्ट्रेलिया से ही है। अकेसिया मेरेंसी भी पूछी जा चुकी है, अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस भी पूछी जा चुकी है और अकेसिया टॉर्टलिस तो मैंने बोल ही दिया, ये लगभग 10-12 बार पूछी जा चुकी है। ये कहाँ से है, इजराइल से। एक्चुअली क्या होता है कि ज्यादातर लोग याद ये कर लेते हैं कि अकेसिया ऑस्ट्रेलिया से आई है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उन्हें लगता है कि सभी अकेसिया यहीं के आए हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो भूल जाते हैं कि ऑप्शन में इजराइल भी था और ऑप्शन में उन्होंने अकेसिया टॉर्टलिस पूछा था, ना कि अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस या अकेसिया मेंजी। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि टॉर्टिस इजराइल से है। इसके बाद यहाँ दूसरा मुद्दा आता है कैजुराइना का। जो कैजुराइना है इसको याद रखना, कैजुराइना ऑस्ट्रेलिया से ना हो करके ये अपने यहाँ आया है इंडोनेशिया से। जो कैजुराइना का ग्रोविंग रीजन है, ग्रोविंग रीजन जो है वो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये पूरे पूरे रीजन में ग्रो किया जाता है। लेकिन अपने यहाँ जो इंट्रोड्यूस किया गया वो ऑस्ट्रेलिया वाला ना करके इंडोनेशिया के जो इस टाइप के जो ओशिनियन रीजन से जो जुड़ा हुआ था, तो ओशिनियन से अपने यहाँ आया। तो मैंने मुद्दा अपना इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया से अपने यहाँ कैजुराइना इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद एक स्पीसीज आती है, ये है क्रिप्टोमेरिया जापोनिका। इसको अपने ये जो क्रिप्टोमेरिया जापोनिका इसका यूज करते हैं अपन पेंसिल बनाने में, पेंसिल इंडस्ट्री के लिए। ये जापान का मतलब जापान से है, तो दार्जिलिंग कोल्ड एरिया में अपने पहाड़ियों में लगा रखा है यहाँ पर। और इसके बाद एक है डेंड्रोकैलेमस जाइजेंटिया, ये बम्बू स्पीसीज है। डेंड्रोकैलेमस है, जाइजेंटिया मतलब जाइजेंटिक मतलब बहुत बड़ा। तो ये जो डेंड्रोकैलेमस की बहुत बड़ी जो है बड़ा बड़े बड़े साइज का जो बम्बू बनता है, जैसे मिल बम्बू भी बोल देते हैं, तो ये जो बड़े साइज का बम्बू है तो कहाँ बनेगा, जहाँ डीप डीप जंगल हो। डीप जंगल कहाँ है, बर्मा में। तो यहाँ पर ये कहाँ से आया है, बर्मा से। तो ये जो आपसे डिस्कस किया एक छोटी सी लिस्ट ये रही, और रिमेनिंग लिस्ट अपनी ये आई। इसमें भी मेन मुद्दा अपना यूकेलिप्टस है। तो यूकेलिप्टस की जो भी स्पीसीज अपनी आई है, चाहे यूकेलिप्टस कैमेलिडोनेंसिस हो, ग्लोबुलस हो, टॉर्टलिस हो, टेरिटिकॉर्नेस हो, तो ये सब स्पीसीज कहाँ से आई, ये सब की सब अपनी आई ऑस्ट्रेलिया से है। कभी कभी आपसे जब ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्ती कोई एग्जामिनर जब गले ही पकड़ के पूछे तो वहां पर ऐसा कुछ है, क्विज क्विजलैंड है, क्विजलैंड तो उस रीजन से है नियरली। इसके बाद रिमेनिंग में आ जाता है जैसे कि पॉपुलस डेल्टोइस है। पॉपुलस की मैंने बोल दिया कि ये कहाँ से आया, नॉर्थ अमेरिका यूएसए की स्पीसीज है। ये जो सेलेक्स है, सेलेक्स जो यूजुअली है वो यूरोप की है, ठीक है, उसकी है, बाद में से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया खासकर अपने लद्दाख वाले रीजन को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर जो बोला था मैंने प्रोसोपिस जूली फ्लोरा जो कहाँ से है, मैक्सिको से ही आई है।
जूली फ्लोरा याद रखना है, क्योंकि एक्चुअली राजस्थान में भी काफी ग्रो करती है, और उसके बगल में है चंबल रीजन। चंबल में 1985 के टाइम पे एयर सीडिंग की गई, ऊपर से हवाई जहाज से इनके ऊपर एयरप्लेन से ऊपर से फेंक दी गई थी, जिससे इस रीजन को बचाया जा सके, इसके एक टाइप से एफोरेस्टेशन वर्क किया गया इसका। तो इस टाइप का ये यहाँ पर प्रोसोपिस जूली फ्लोरा चल रही थी, प्रोपोलिस डेल्टोइड हो गई, सेलेक्स हो गई, और यहाँ पर एक हैविया ब्राजीलेंसिस। ब्राजीलेंसिस जो है ये रबड़ है, जो अपना नेचुरल रबड़ है। तो साउथ इंडियन की जो तीन स्टेट है, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनमें जो रबड़ के लिए हैविया ब्राजीलेंसिस की प्लांटेशन की गई थी, ये कहाँ से आया? ब्राजील से। ये लिस्ट में जो दिए गए हैं, ये ऑलरेडी लिस्ट बहुत बड़ी है, यहाँ पर केवल आपको इम्पोर्टेंट है जिन पर क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम इस लिस्ट के कोई छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हम थोड़े एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जिससे थोड़ा एक मन लगा रहता है पढ़ने में। पहला तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जोटिक स्पीशीज, कौन सी है जो एक्जोटिक है? तो देख लो यहाँ पर टर्मिनेलिया, टीक, सिमारूगा और बम्बू। अब इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें देखो सिमारूगा ग्लोका है, इसकी एक पॉसिबिलिटी, टीक तो नहीं है। टर्मिनेलिया की बहुत सारी स्पीसीज है, आपके यहाँ की लोकल है, तो ये तो एक्जोटिक नहीं है। अब यहाँ पर अपने यहाँ बम्बू भी हो सकता है और सिमारूगा हो सकता है। सिमारूगा ग्लोका अपने इंडिजिनस है, अदर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पे जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो बम्बू लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज है बम्बू के जो अपने बाहर से लेके आए हैं, जिसमें अभी देखा था डेंडोकैलेमस जायजेंटिया। यहाँ पर देख लो, द मोस्ट वाइडली ओन फार्म ग्रोन एक्सोटिक जेनेरा इन इंडिया, बोला कि हमारे यहाँ जो खेतों पर जो उगने वाला जो मोस्ट कॉमन जो एक्सोटिक जेनेरा है वो कौन सा है? तो ज्यादातर बोला जाए तो यहाँ पर देखो हम पॉपुलर भी बहुत लगाते हैं और यूकेलिप्टस भी लगाते हैं, बकाया के ये दोनों तो अपने इंडिजेनस है। अब मुद्दा जब इनकी आए पॉपुलर की, तो पॉपुलर तो केवल तराई रीजन में है, और यूकेलिप्टस की बात की जाए तो ये तो लगभग पैन इंडिया पूरे देश में उगता है, इवन राजस्थान में भी, क्योंकि इसकी स्पीसीज बहुत सारी है। तो इस टाइप से बोला जाए तो इसका अपना आंसर आएगा यूकेलिप्टस। व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग एन एक्जोटिक, व्हाट इज क्रूशियल, जब आप किसी एक्जोटिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके लिए क्या सबसे बड़ी चीज रिक्वायरमेंट है? क्या सीड साइज चाहिए? आप सीड साइड का क्या करोगे? क्लाइमेट, हाँ बात सही, क्लाइमेट का एक मुद्दा होता है। डिजीज रेजिस्टेंस, ये भी एक मुद्दा होता है, यूजुअली वो होते हैं। मैन है उसकी यूटिलिटी वैल्यू, तो सीधी सी बात है अपन किसी भी प्रकृति को उठा के नहीं लेके लगा देते हैं। मेन मुद्दा अपने लिए उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर कोई इम्पोर्टेंस है तो अपन चीजों को लगाएंगे, नहीं है तो फिर हम ऐसा थोड़ी कोई भी जंगल से उठा के लेके आएंगे और ऐसे लगा देंगे बाहर का, तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू होती है, इसलिए हम इसे लगाएंगे। नेक्स्ट है इंडेमिक्स का मतलब क्या होता है, कि जो इंडेमिक स्पीसी है उनका सेंस क्या है? तो इसका मतलब क्या है? स्पीसीज विथ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, स्पीसीज विथ रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, बायोमास ऑफ वाइडर रेंज, बायोमास ऑफ नैरो रेंज। बायोमास का कोई मुद्दा नहीं है, स्पीसीज विथ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीसीज विथ रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो इंडेमिक्स है इसका मतलब होता है कोई पर्टिकुलर रीजन में होना। एक एंडेमिज्म का मतलब होता है, एंडेमिक्स का मतलब कोई लोकलाइज होना भी होता है सेंस, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन में मिलती है, या सपोज कोई स्पीसीज है जो राजस्थान की एंडेमिक है वो राजस्थान में मिलेगा और इंडिया के और अदर जो वेदर है क्लाइमेट है उनमें नहीं मिलती है। तो एंडेमिक का सेंस आपको समझ में आएगा लोकलाइज वाले से। अब इसके बाद और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्जोटिक स्पीसीज, कौन सी है जो एक्जोटिक है? टिक तो नहीं है, डायप्टेरोकार्पस का नहीं है, सिसु अपनी लोकल है, ठीक अपने लोकल, आप इसमें देखना पड़ेगा। डायप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस है और माइकेलिया चंपा का, तो माइकेलिया चंपा का जो अपन बोलते हैं चंपा चमेली वगैरह है, तो ये तो नहीं लगती है, तो इसका आंसर लगता है ये, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रूफेबल जो आंसर है, मैं अगर यहाँ एग्जाम दे रहा हूँ तो ये मैक्रोकार्पस लगा के आ जाऊंगा। स्पीसीज विच इज नेटिव ऑफ स्पेसिफिक एरिया या रीजन इज कॉल्ड, कोई स्पीसीज है जो किसी पर्टिकुलर नेटिव एरिया, स्पीसीज विच इज नेटिव, कोई स्पीसीज है जो किसी क्षेत्र की ही रहने वाली है, तो उसे हम उस क्षेत्र का क्या बोलेंगे? तो हम उसे बोलेंगे इंडिजिनस स्पीसीज। ठीक है, ये प्लस ट्री कंडिजेटरी हम ट्री इम्प्रूवमेंट में समझ लेंगे ये होते क्या है, और एक्जोटिक और इंडिजिनस आप समझते हो। तो यहाँ पर ये एक्जोटिक इंडिजिनस का जो बवाल था वो आपको समझ में आ गया। अब अपन इसके आगे चलते हैं, तो यहाँ पर मुद्दा आता है प्योर क्रॉप का और मिक्स क्रॉप का। अब देखो इस चीज को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, तो ये चीजों पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कि जैसे आपने कहीं प्लांटेशन कोई एक ही स्पीसीज की लगा दी तो अपन बोलेंगे प्योर क्रॉप है, अगर आपने वहां पर चार पांच स्पीसीज लगा दी तो हम उसे क्या बोल देंगे? मिक्स क्रॉप है। या फिर अपन इसी को ऐसे कर लो, कभी आपने उसे शायद 7th या 8th नंबर के चैप्टर में देखोगे आप अपने नोट्स में, तो वहां पर इस टाइप से होगा इवन एजेड क्रॉप और अनइवन एजेड क्रॉप, या आपसे बोल दिया जाएगा प्लांटेशन क्रॉप वर्सेस नेचुरल फॉरेस्ट, या प्योर क्रॉप वर्सेस
मिक्स क्रॉप। तो एक टाइप से ऐसे समझ लो कि ये एक ही टाइप के प्लांटेशन है, बस उन्हें अलग अलग फॉर्म पे या एंगल देखने के अलग अलग होते हैं। तो बस वही चलेंगे, यहाँ पर ट्रू क्रॉप है सिंगल स्पीसीज होगी और मिक्स क्रॉप में बहुत सारी स्पीसीज होगी। फिर इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज है उन्हें आप देख लोगे, क्योंकि सिमिलर चीज है, वही चीजों को डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर एक दूसरा भी बवाल है, वो है कवर क्रॉप और नर्स क्रॉप का। देखो आप मान के चलो आप छोटे बच्चे हो, तो ये जो नर्स है ये आपको क्या करेगी, ये आपको प्रोटेक्ट करेगी आपकी इनिशियल फेज में, आपकी जो लाइफ की जो इनिशियल फेज है उसमें आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जैसे कि मान के चलो आपने कोई प्लांटेशन की, जब आप कोई प्लांटेशन कर रहे हो और जो प्लांटेशन है आपकी जो पुरानी स्पीसीज है वो इस टाइप की स्पीसीज है जो जो हॉट सन कंडीशन है या एडवर्स वेदर है उसको नहीं झेल सकती। तो उसी एक टाइप से मीन्स आप इस टाइप की प्लांटेशन क्रॉप लगा रहे हो जो या तो लाइट डिमांडर है, वो सॉरी या तो सेड डिमांडर है या सेड बियर है, लाइट डिमांडर नहीं है वो। तो इस केस में आपको सिर्फ प्रोटेक्शन देने की जरूरत होती है। और खासकर एक टाइप का मुद्दा ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान के चलो आप थोड़ी कम एरिया की मतलब कोल्ड एरिया की क्रॉप की, ऐसा कुछ लोग पूरे देश में से कहीं से भी यूपी की क्रॉप उखाड़ के ले आए और राजस्थान में लगा रहे हैं सेमी एरिड की कंडीशन में, तो सेमी एरिड में उसे थोड़ी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अपनी जो मेन क्रॉप होती है, तो या तो एक काम कर देते हैं कि पहले जो प्लांटेशन वहां पर पहले कर रखी होती है 5-10 साल पुरानी प्लांटेशन, उसके नीचे अपनी नई प्लांटेशन की क्रॉप लगाते हैं। और जब ये 3-4 साल की हो गई, 3-4 साल की हो गई या 5-6 साल की क्रॉप हो गई, जब समझ लिया कि अब ये स्टेबलाइज हो चुकी है, अब ये वेदर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तब अपनी ये जो मेन क्रॉप है उसे हटा देते हैं। क्योंकि तो एक्चुअल में ये अपनी जो क्रॉप जिसे अपने लगाया था वो उसका पर्पज ही यही था, उसे नर्स करना, उसको नर्चर करना, उसको प्रोटेक्ट करना। ये कभी अपनी मेन क्रॉप नहीं थी, ये टाइप से साइड क्रॉप बोल लो इसे, क्या बोलेंगे हम इसे, अरे भाई लिख जा साइड क्रॉप, मेन क्रॉप तो अपनी ये है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने, यहाँ पर आपने जैसे डायप्टेरोकार्पस टर्मिनेटस जो लगाई, उसकी सीडिंग लगाई, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उससे पहले हमने 4-5 साल पहले मेलाना अरबोरिया की प्लांटेशन कर देते हैं। और उसे जब एक बार ये डायप्टेरोकार्पस टर्मिनेटस स्टेबलाइज हो गया, तो फिर हम मेलाना अरबोरिया को हटा देते हैं। दूसरा हम इस टाइप से देख लेते हैं कि अब जैसे मेलाना लगाया तो उसे तो हमें 8-10 साल लगेंगे, हालांकि वो 3-4 साल नर्सिंग का काम कर देता है। लेकिन मान के चलो कोई ऐसी क्रॉप है जिसे एक आधी या 2-4 महीने की प्रोटेक्शन की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं, जैसे कि टी कोट साल की सीडलिंग, तो इस केस में हम एक काम कर देते हैं कि जो अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप है उन्हें ग्रो कर देते हैं, जो श्रब है इनको लगा देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप है तो कम से कम 3-4 महीने जो हॉट वाला पीरियड है उसमें इन्हें लगा दी, तो 3-4 महीने में इनने उसे पूरा प्रोटेक्शन दे दिया और उसके बाद फिर काम हो गया। तो यहाँ पर जो नर्स क्रॉप है वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो मेन क्रॉप है उसको जो एडवर्स वेदर है उससे प्रोटेक्शन का काम कर रही है। अब यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल याद रखना है उसमें एक तो ये मेलाना अरबोरिया का याद रख लेना है, ये काम करता है डायप्टेरोकार्पस टर्मिनेटस के लिए। दूसरा अरहर और कैस्टर जो है ये यूज करते हैं टीक और साल की सीडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट ये दो दो इनाफ है, बुक में कॉमन से एग्जाम्पल है और अक्सर इनमें टीक और अरहर ये कैस्टर वाला जो है ये पूछे जा चुके हैं। जब एक बार नर्स क्रॉप आता है तो दूसरा मुद्दा आता है कवर क्रॉप का। कवर का मतलब किसी को ढक देना। ये जो कवर क्रॉप का कॉन्सेप्ट जो एग्रीकल्चर में है, ये जो एग्रीकल्चर में जो कवर क्रॉप का कॉन्सेप्ट है कवर का, या एग्रीकल्चर के कंपेयर में या फॉरेस्ट्री में उसका सेंस थोड़ा डिफरेंट चला जाता है। यहाँ पर जैसे एग्रीकल्चर में कवर का मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे आपको ग्रोविंग सीजन है वो छूट गया, मतलब आपके जो सपोज 4 महीने का मिला, आपने क्रॉप जो वीट लगानी थी वो नवंबर के मिड में लगानी थी, सपोज आपका नवंबर निकल गया और दिसंबर का एंड पहुंच गया, आपका 1-1.5 महीना बर्बाद हो गया। तो आप उस सीजन को कैच करने के लिए एक टाइप से काम कर लेते थे, वो कैच क्रॉप टाइप के काम कर लेते थे। तो यहाँ एक्चुअल में अपना जो कवर क्रॉप का पर्पज है वो है कि जो से सोयल है अपनी, अब मेन ट्री की कैनोपी इतनी ज्यादा डेंस नहीं है कि ऊपर से जो रेनफॉल या विंड आ रही है वो सोयल को बचा पाए। तो यहाँ पर हम कोई ऐसी इस टाइप की कोई क्रॉप लगाना चाहते हैं जिसका पर्पज होता है कि ये जो सॉइल है इस पे एक टाइप से एक लेयर बना देगी, एक कैनोपी की लेयर, मीन्स ये कैनोपी ऊपर की नहीं होगी, यहाँ पर ग्रासेस की कोई तो कुछ ना कुछ तो कवर बनाई देगी। तो ये कवर क्या करेगी, टाइप से जो एडवर्स विंड है या हवा जो आ रही थी उसका जो इस पे इफेक्ट पड़ रहा था, जो सॉइल इरोजन वगैरह हो रहा था उसको एक टाइप से कहीं ना कहीं थोड़ी हद तक रोक देगी। तो ये अपना रहा कवर क्रॉप। तो एक टाइप से आपका वो मुद्दा हो गया। तो यहाँ पर कवर क्रॉप पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अ क्रॉप ग्रो फ्रॉम
ग्रोप टू फोस्टर द ग्रोथ ऑफ इम्पोर्टेंट ट्री क्रॉप इन अर्ली स्टेज, कि ऐसी आप कोई क्रॉप लगा रहे हो जो फोस्टर कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट केयर कर रहा है, किसकी ट्री क्रॉप को, कोई ट्री क्रॉप है उसकी अर्ली स्टेज में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको केयर करने के लिए आप जो क्रॉप को लगा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, तो क्या उसे कवर क्रॉप बोलते हैं। कवर क्रॉप का मतलब आपको कवर करना है, जैसे कि सॉइल इरोजन है उसे क्या बोलेंगे, नर्स क्रॉप। और ये जो फीडर क्रॉप का कैंपेनियन क्रॉप, इनका कोई सेंस होता नहीं है। कंपेनियन का मतलब होता है एक क्रॉप के साथ साथ दूसरी कंपेनियन में उसके साथ साथ लगा दिया कंपनी देने के लिए, ठीक है। इसके साथ जो लास्ट में एक इशू और बचता है अपना, वो है फास्ट और स्लो ग्रोविंग स्पीसीज का। अब देखो कोई भी स्पीसीज है, हम कब बोलेंगे कि ये स्पीसीज फास्ट ग्रोविंग है या ये स्पीसीज स्लो ग्रोविंग। जैसे हम अक्सर बोल देते हैं बाहर की, जैसे यूकेलिप्टस फास्ट ग्रोविंग है, पॉपुलर स्लो ग्रोविंग है, तो कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा। तो इसका एक दो क्राइटेरिया है इसके, कहने का मतलब एक क्राइटेरिया तो नॉर्मल ट्री के लिए है, और वो नॉर्मल ट्री कल्चर का क्राइटेरिया है कि बोल रहा है कि अगर वो 10 मीटर क्यूब पर हेक्टर पर ईयर अगर इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है, कितना 10 मीटर क्यूब पर हेक्टर पर ईयर, ये आईसीआर के नेट में आ चुका है, जीआरएफ में आ चुका है, एसआरएफ में आ चुका है, और स्टेट पीएससी में भी आ चुका है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये। तो इन्होंने क्या कैटेगरी कर रखी है कि अगर कोई भी पेड़ 10 मीटर क्यूब पर हेक्टर पर ईयर से ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो हम उसे फर्स्ट ग्रोविंग में कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ इशू ये आ जाता है कि मान के चलो तुमने 10 मीटर से ऊपर हेक्टर तो बोल दिया, लेकिन ये तो जो बड़े पेड़ है उनके साथ क्या हो जाता है कि चलो ठीक है बड़े पेड़ों ने तो कर लिया ही, लेकिन जो आपने नई नई प्लांटेशन लगाई है तो उसका क्या, वो क्या फर्स्ट ग्रोविंग में नहीं आएंगे। तो उसके लिए इन्होंने बोल रखा है कि एक काम करो, कि अगर नई नई प्लांटेशन है जो इस वॉल्यूम को कैच नहीं कर सकती, तो हम प्लांटेशन की ग्रोथ के हिसाब से देख लेंगे कि अगर वो 60 सेंटीमीटर पर ईयर से ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, मतलब हाइट में ग्रोथ है वो अगर 60 सेंटीमीटर से भी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है पर साल, तो हम उसे फास्ट ग्रोविंग में कर लेंगे। ये जो वॉल्यूम है इसके साथ एक इशू ये होता है कि ये जो वॉल्यूम है ये थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब क्या होता है कि ये जो 10 मीटर के ऊपर हेक्टर पर ईयर है, ये तो अपनी इंडिजिनस बहुत सारी स्पीसीज है जो भले ही यंग स्टेज में ना मिल पाए, लेकिन ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते ये वॉल्यूम को कवर कर ही लेती है वो, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना बड़ा साइज, जितना बड़ा साइज होगा उतना उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इस हिसाब से ये काम कर लेते हैं जो मास प्रोडक्शन है। तो इस हिसाब से ये क्राइटेरिया बहुत एक्सेलेंट तो नहीं है, लेकिन अपन को जो एग्जाम निकालना है उसमें ये दो दो जो पॉइंट है, 10 मीटर के ऊपर हेक्टर पर ईयर और 60 सेंटीमीटर से ज्यादा ग्रोथ, इनसे अपने क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसके साथ इशू ये आते हैं कि फास्ट ग्रोविंग के साथ बहुत सारे इशू हैं, कि जैसे इनकी क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया वाले पॉइंट पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो देखो जब ये तेजी से ग्रो करते हैं, तो जो तेजी से जैसे एक मकान बनता है 4 साल में, दूसरे ने 2 महीने में पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, 5 स्टोरी, तो ऑब्वियसली जब उसने जल्दी जल्दी किया तो उसकी जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो ज्यादा नहीं होंगे। अब जब प्रोटेक्शन मेजर ज्यादा नहीं होंगे तो क्या होगी, बिल्डिंग कमजोरी होगी, तो जो कमजोर बिल्डिंग है वो कब तक टिकेगी। तो इनके साथ भी यही दिक्कत होती है कि जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट अटैक है वो उनके प्रति इनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है, यानी कि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं। दूसरा रूट सिस्टम भी उतना प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, क्राउन के साथ भी इशू होंगे, तो इनके साथ इशू मेजर चलते रहते हैं। यहाँ पर अपना जो स्पीसीज वाला पार्ट था ये खत्म हो गया। अब अपना नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना सीड सप्लाई से।